नईम सिद्दीकी साहब, नाउ आई एम गोइंग टू रिक्वेस्ट मिस्टर बैरिस्टर फयाज अहमद समोर साहब काइंडली एक्सप्रेस हिज व्यूज अबाउट कैंडिडेट मिस्टर मुकीम शाह राजदी. काइंडली कम ऑन डाइस मिस्टर बैरिस्टर फयाज अहमद समोर साहब. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. चूंकि मेरा खुद भी कैंडिडेट इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है तो बायस्ड होना मेरे लिए थोड़ा सा मैनरिज्म के ख़िलाफ़ हो जाएगा. बट प्रोग्राम है, दोस्त का प्रोग्राम है, लाजमी नाइस पे आया हूँ तो कुछ ना कुछ कहना पड़ेगा. कभी कभी ऐसा होता है कि जो फर्स्ट स्पीकर आपका होता है वो आपको लाइन्स देता है, उसमें से आप पिक करें और अपनी स्पीच डिलीवर कर दें. असदुल्ला राशिद साहब ने बड़ी अच्छी स्पीच दी और उसमें से मैंने भी एक लाइन पिक की. लाइन में आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ. अल्लाह ताला ने कायनात को ज्योमेट्री के असूलों के तहत बनाया है. ज्योमेट्री अगर आप हम सब ने पढ़ी है तो उसमें दायरे, स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स, ट्राइंगल्स और पेंटागन्स होते हैं. तो मेरी आपसे गुजारिश ही है कि जिंदगी को दायरे के अंदर मत गुजारिए. दायरे के अंदर रेस्ट नहीं है, मुसलसल रनिंग है. सर्कल के अंदर अगर आप चलेंगे तो आपको मुसलसल चलना पड़ेगा, आप एग्जॉस्ट हो जाएं. कोशिश कीजिए स्क्वायर्स के अंदर लाइफ गुजारिए, ट्रायंगल्स के अंदर लाइफ गुजारिए, पेंटागन्स के अंदर लाइफ गुजारिए. कैसे मैं बताऊँ? आपकी कौम परस्ती, ज़ात परस्ती, रेसिज़म, लिसानियत वगैरह वगैरह, बिरादरीज़म, ये सब जो दायरे के अंदर गुजारने वाली लाइफ है उसका हिस्सा है. ये आपको कहीं ब्रेक नहीं लेने देंगे, आपको मेंटली अपसेट रखेंगे, आपको परेशान रखेंगे. अब मुसलसल दौड़ते रहेंगे और आपके लिए निकलने का रास्ता नहीं होगा, जिसके लिए खुदा ने कुरान में कहा है कि निकलो निकलो. ताकत के बगैर निकल नहीं सकते हो लेकिन फिर भी निकलो. लेकिन स्क्वायर के अंदर चार कॉर्नर है. अगर आप स्क्वायर के अंदर लाइफ गुजारते हो तो आपको चार ब्रेक्स मिलते हैं. जब भी कॉर्नर आता है स्पीड खुद ब खुद स्लो हो जाती है. सेकेंडली कॉर्नर आपको प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करता है. अगर आप मिलिट्री के बंकर्स देखें तो उनमें कॉर्नर्स रखे जाते हैं कि वो आपको फायर से कवर देता है. तो अगर आप एक स्क्वायर के अंदर ज़िंदगी गुजारेंगे तो जो मैं इसमें मेन पॉइंट आपको बता रहा हूँ, आपको एलिवेशन का चांस मिलेगा. किस तरह से? कमरों के चार कोने हैं, आप सीधी दीवार से ऊपर नहीं चढ़ सकते हैं, आप सर्कल की किसी दीवार से ऊपर नहीं चढ़ सकते हैं. जब आप कॉर्नर में आएंगे तो आपको कुदरती तौर पे एज मिलेगा, आप कॉर्नर से किसी भी दीवार को फलांग के बाहर जा सकते हैं. एक्सपीरियंस के लिए मैं बात कर रहा हूँ. अब ये स्क्वायर्स क्या हैं? ये स्क्वायर्स वो हैं कि इंटर कम्युनिटी दोस्तियाँ, ताल्लुकात. अगर कोई बंदा कराची का है या जैकबाबाद का है तो उसको फ़ख्र होना चाहिए कि उसका दोस्त लंडी कोतल में, उसको प्राउड होना चाहिए कि उसका दोस्त चमन में है, किला अब्दुल्ला में है. मैं प्राउड कर सकता हूँ कि मेरे बड़े अच्छे दोस्त पिशीन में हैं. तो ये स्क्वायर्ड लाइफ है. आप सर्कल में से बाहर निकलिए. अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये सर्कल जो पॉलिटिकल लाइफस्टाइल मलीर में कभी इंट्रोड्यूस हुआ था वो कहीं ना कहीं प्रवेल करता. मैं राशि साहब की बात को बिल्कुल सेकंड करके आगे लेके जा रहा हूँ. उस सर्कल में से बाहर निकलिए, स्क्वायर में आइए और आगे चलिए. एक छोटी सी गैदरिंग में कुछ लोग बैठे थे, मुख्तलिफ रैंक्स के रिटायर्ड लोग बैठे हुए थे. वैसे उसमें वो शख्स भी था जिसने ज़िया के जहाज़ में बम लगाया था. तो यही बात हो रही थी कि क्या जो सोल्यूशन है पाकिस्तान का, उसका ये जो इशू है सोल्यूशन उसका क्या होना चाहिए. उसने बड़ी ज़बरदस्त बात की थी. उसने कहा था कि जट, चौधरी, अमान, सिंधी, पंजाबी, बलोच से आगे निकल के भाई एक इंटरनेशनल कम्यूनिटी है. अगर कोई बंदा फेसबुक का ऑनर है, वो क्रिश्चियन है या वो अमेरिकन है या वो स्विस है, कोई भी है, तो आप उसको अपना आइडियल बनाओ, ना कि आप बिरादरीज़म कौम परस्ती के अंदर आप किसी लोकल आदमी को अपना आइडियल बना के अपने सारी पोटेंशियल्स को वहाँ पे जाया कर दो. तो स्क्वायर से आगे जब निकलेंगे आपको उस कॉर्नर में से एज मिलेगा, एलिवेट होंगे तो आपको पेंटागन्स मिलेंगे. पेंटागन्स क्या है? जब आप दायरे को इक्वल तोड़ोगे तो उसके पांच कोने बनते हैं. तो वो आपकी इंटरनेशनल कम्युनिटी है. आप यूरोप अमेरिका के बारे में सोचिए, आप दुनिया के बाकी मुल्कों के बारे में सोचिए. इस दायरे में से खुदारा बाहर निकलिए, क्योंकि बार बार हमें कन्विंसिंग में भी ये चीज़ें प्रोफेस करनी पड़ती हैं
इलेक्शन है, कैंडिडेट का अपना एक मेरिट होना चाहिए। दो चार चीजा मेरिट होते हैं, न्यू कमर्स है, एनर्जेटिक है, बोल्ड है, बहादुर है, जजों की आंखों में आंखें डाल के बात करता है। ये 5-7 हमारी रिक्वायरमेंट्स होती है और कुछ है ही नहीं। तो मैं ये अपने आखिरी अल्फाज फिर रिपीट करूंगा कि जो हमारे न्यू कमर्स हैं खुदारा, उनको इस दायरे वाली प्रैक्टिस करने के बारे में इंस्पायर मत कीजिए, रागब मत कीजिए, उनके जहनों को पॉल्यूट मत कीजिए। यहाँ पे सोक्रेटिक अप्रोच अपनाइए, आप अपने आप को ज्यूरिस्टिक जो है वो मनवाइए और एक जो न्यू कमर है उसको स्क्वायर्स में एंड पेंटागन्स में जिंदगी गुजारने की जो तरगीब है वो दीजिए, ना कि जिस तरह से आप खुद दायरे के अंदर घूम रहे हैं इतने सालों से, और न्यू कमर्स को भी आप यही तरगीब देते रहें। रही बात कैंडिडेट्स की, मैं वर्दी फ्रेंड्स 4-5 लोग हैं जो जनरल सेक्रेटरी के ऊपर कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, मेरे पास तो बहुत सिंपल फार्मूला है उसके लिए। वो फार्मूला क्या है आप पर्सनली जज करें, आपको शरीयत और कुरान भी बताता है 4-5 खसूसियात होता है, कभी जुस्सा हो, उसके बाद बहादुर हो, दलेर हो, उसके बाद डिलीवर कर सकता हो, फेस कर सकता हो, उसके अंदर पोटेंशियल हो। एंड सेकेंडली ये भी देख लीजिएगा, क्योंकि बार इम्प्लाइडली अदलिया का मुहासबा और अकाउंटेबिलिटी करने का इदारा है, ये इन प्रैक्टिस कस्टम हो गया। तो कैंडिडेट ऐसा ना हो कि जिसको आज आप इलेक्ट करें तो कल वो किसी जज के दरवाजे पे खड़ा हो। और मैं लास्टली ये भी कहना चाहूँगा, जो भी कैंडिडेट आए, मुकीम शाह आए, बिस्मिल्लाह या कोई दूसरा आता है, डीजे साहब हमारे बड़े शरीफ हैं, आपके सीनियर सिविल जजेस मोस्टली इन्फ्लुएंस्ड और करप्शन में डूबे हुए हैं। अगर आप इनकी CDRs निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि अनफॉर्चुनेटली हमारे प्रोविंस के अंदर करप्ट जजेस का एक पैकेट है, पूरा पैकेट, वो राउंड द कॉर्नर जो फंक्शन करता है, कहां से कहां किसको फोन आता है और किस तरह से मैटर के अंदर थर्ड क्लास के सबके ऑर्डर्स पास हो जाते हैं कि आप देख के हैरान होंगे। तो उम्मीद ये करता हूं मुकीम शाह बिस्मिल्लाह अल्लाह ताला उसको लेके आए, बीइंग वोटर ऑफ द मलीर बार, बीइंग मेंबर ऑफ द मलीर बार, मैं आपसे यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि जहाँ ऐसी बात होगी तो आप जज से चैम्बर में मिलने की बजाय उसकी आंख में आंख डाल के बात करेंगे। और बाकी उम्मीदवारों से भी यही उम्मीद करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे सुना, थैंक यू वेरी मच।